हबुका किचन में आज हम बनाएंगे पिज्जा पॉप्स। अगर आपको पिज्जा पॉप्स की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिज्जा पॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले फिलिंग रेडी करते हैं। एक फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट फ्राई करने के बाद 250 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच मरी पाउडर और 1 छोटा चम्मच विनेगर ऐड करके इसे 1 मिनट के लिए भुनेंगे। एक मिनट भून लेने के बाद ढककर इसे लो फ्लेम पर चिकन सॉफ्ट हो जाने तक कुक करेंगे। लो फ्लेम पर कुक करने के बाद चिकन सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद अब हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज, बारीक कटा हुआ 1/2 कैप्सिकम और बारीक कटा हुआ 1/2 टोमेटो ऐड करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। एक मिनट हाई फ्लेम पर भून लेने के बाद 1 छोटा चम्मच ओरेगानो और 2 बड़े चम्मच पिज्जा सॉस ऐड करेंगे। पिज्जा सॉस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। अब ब्रेड की स्लाइस को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करके थिक स्लरी बना ली है। अब एक वुडन स्टिक पर मैदे की स्लरी लगाएंगे। स्लरी लगाने के बाद इसे ब्रेड पर रखेंगे। अब इस पर 1 चम्मच बनाई हुई फिलिंग रखेंगे। अब इस पर चीज स्लाइस रखेंगे। अब दूसरी ब्रेड पर भी मैदे की स्लरी लगाएंगे और इसे कवर करेंगे। साइड से इसे अच्छी तरह से सील करेंगे और इसी तरह सारे पिज्जा पॉप्स रेडी कर लेंगे। अब बाउल में 1 अंडा और 4 बड़े चम्मच मिल्क ऐड करके इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब पिज्जा पॉप्स को मिल्क और अंडे के बैटर में डीप करेंगे। डीप करने के बाद इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। इसी तरह सारे पिज्जा पॉप्स रेडी कर लेंगे और इसे फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद पिज्जा पॉप्स को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के बाद पिज्जा पॉप्स को टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे।